बोर्ड के टॉप का विजिबल नहीं होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कैमरा फोकस कर दिया है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल गाइज? Hello students, good afternoon everyone, and welcome to An Academy Let's Crack NEET UG. This is Dr. Shivani Bhargav, और आज जो है last class के अंदर हम लोगों ने bryophyta के बारे में general features discuss कर लिए थे, उसका life cycle हम लोगों ने discuss कर लिया था। Last session में मैंने आपको बता दिया था कि उसके तीन classes liverworts, hornworts and mosses। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ लिवरवर्ड्स और मॉसेस का जिक्र किया हुआ है, हॉर्नवर्ड्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन हम हमारे सेशन के अंदर वो देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आज अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया आप सब पढ़कर आए होंगे। फटाफट से लिंक के शेयर कर लो सो वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। और इससे पहले कि मैं अपने सेशन की शुरुआत करूँ, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ। बच्चे, आप लोग अगर सिर्फ ऐसे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पर्सनल मेंटरशिप के अंदर एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अन अकेडमी प्लस जो कि हमारा पेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के 50 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको आपकी नीट की तैयारी करवाते हैं। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, डेली लाइव सेशंस आपको यहाँ मिलते हैं, इनके रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे। ऑल इंडिया लेवल का टच सीरीज यहाँ पर है। सबसे खास फीचर इसका मैंने आपको बताया कि 50 से भी ज़्यादा एडुकेटर्स अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आपके लिए हो जाते हैं अनलॉक। करना क्या होगा, सिंपल सा स्टेप है, प्ले स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर पर जाकर आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, आपके सामने प्लस सब्सक्रिप्शन और गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा, उसमें आपको नीट यूजी भरना है क्योंकि आप नीट यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फिर आपके सामने इस तरीके से 1, 3, 6, 12 and 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये प्राइसेस यहाँ 10% डिस्काउंट के बाद की शो हो रही है, तो मैंने करेक्शन किया हुआ है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 28,000, 1 साल का 38,500 और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 56,000 का है। लेकिन आपको एग्जैक्टली इनमें से कुछ भी नहीं पे करना होता। प्रोसीड टू पे करने से पहले आपको एक कोड अप्लाई करना है जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी। इस शिवानी कोड को अप्लाई करने के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा आपको तुरंत नजर आएगा, जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हैं आपको आपकी फीस पर सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखो 36,800 से 34 रहेगी और 56,000 से 50,400 ही रह जाता है। तो एक तो आपको आपकी फीस पर सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिलता है, प्लस आप डायरेक्टली मेरी मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे। यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई सुपर 80s। आपको थ्रू आउट द ईयर आपकी नीट की जर्नी के लिए मैं आपको गाइड करूंगी। आपको क्लास नोट्स ही नहीं, रिवीजन के टाइम पर जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मेरे 100 शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, DPPs मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक मिलता है, उनका डिस्कशन होता है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तैयारी कैसे करें, डे वन से हम क्या क्या चीज़ें करें कि हम 90% स्टूडेंट, क्योंकि हार्डवर्किंग होते हैं लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 2 से 3% स्टूडेंट का होता है, तो हम 2 से 3% स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ सकें। तो ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको गाइड करती हूँ। आपको टाइम टेबल इवन तो आपको मैं बताती हूँ, टारगेट्स आपके डिसाइड करके देते हैं, पीछे टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो ये सारे फायदे आपको मिलते हैं शिवानी कोड अप्लाई करने से। इट इज़ अबाउट दिस। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आए, ऐसा तो मैं बता चुकी हूँ आपको, तो आप मुझे
सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज ओनली, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9549406721। दिस नंबर इज ओनली एंड ओनली फॉर द सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज। और अगर आपने शिवानी कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो लेट मी नो हियर, आई विल ऐड यू इन माय ग्रुप एंड आई विल गाइड यू। ठीक है, चलिए पीयूष, मेरा काम है ये, आपको अन अकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर अगर देता है तो उनका ये भी प्रोटोकॉल ही करना पड़ता है। चलो बच्चा शुरू करते हैं लास्ट क्लास के अंदर। एक सेकेंड, लेट मी चेक इन द लैपटॉप, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ तो हो रही है आवाज़, आई कैन सी है, चलो कोई नहीं, लेकिन करना ही पड़ेगा। यहाँ तक पूरा डिस्कस कर चुके लास्ट क्लास में हम, ब्रायोफाइट को तीन क्लासेस में डिवाइड किया, हेपेटिक ऑप्सिडा दैट इज अ लिवर वर्ड, एंथोसेरॉट ऑप्सिडा दैट इज द हॉर्नवर्ड्स, एंड ब्रायोप्सिडा दैट इज द मॉसेस। एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी है, बिल्कुल चिंता मत करो, थोड़ा सा एक हिंट देखें, एनसीईआरटी से शुरू करेंगे फिर इसके आगे मैं बढ़ूंगी। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, लिवर वर्ड्स जैसे आप लोगों ने लास्ट सेशन पढ़कर बैठे होंगे तो तुम लोग को ध्यान होगा, हम लोग जब बात कर रहे थे कि भाई जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने पढ़ा था कि स्पोरोफाइट जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है, दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट का। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रख लेना है कि जो लिवर वर्ड्स हैं लिवर वर्ड्स के अंदर तो जो स्पोरोफाइट है इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, इट इज स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। फॉर फूड, वाटर एंड हैबिटेट, तीनों के लिए ही डिपेंडेंसी होती है स्पोरोफाइट की अपने गैमेटोफाइट पर। स्पोरोफाइट लिवर वर्ड्स के अंदर तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपने गैमेटोफाइट पर फॉर फूड, वाटर एंड हैबिटेट, बट इन केस ऑफ हॉर्नवर्ड्स हॉर्नवर्ड्स एंड मॉसेस के अंदर क्या होता है बेटा, हॉर्नवर्ड्स एंड मॉसेस के अंदर जो आपका स्पोरोफाइट है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, पार्शियली डिपेंडेंट है, सेमी पैरासिटिक नेचर का होता है, कंप्लीटली डिपेंडेंसी नहीं होती। स्पोरोफाइट जो है इट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट, इट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट, नॉट कंप्लीट यानी कि सेमी पैरासिटिक होता है। स्पोरोफाइट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, क्यों, क्या काम ये अपना खुद करता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट क्यों नहीं, क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट है ये फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद बना लेता है, फोटोसिंथेटिक तो होता है, अपना खाना खुद बना लेगा, तो स्पोरोफाइट जो है इट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, इसका जो स्पोरोफाइट है अपने गैमेटोफाइट पर, फूड के लिए तो नहीं होता डिपेंडेंट, वाटर एंड हैबिटेट के लिए इसकी डिपेंडेंसी है। आगे बेटा बात समझ में, दिस इज अबाउट द थिंग, ठीक है, बाकी चीजें एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, थोड़ा कुछ पॉइंट्स मैं आपका हाईलाइट करी फिर एनसीईआरटी से ही रीड करवाऊंगी। लिवर, हमने ब्रायोफाइट्स में ये चीज तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी कि ब्रायोफाइट जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स गैमेटोफाइट, दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट, लेकिन इसमें याद रखना कि लिवर वर्ड, हॉर्नवर्ड्स और मॉसेस में से जो लिवर वर्ड्स है इसका जो स्पोरोफाइट है
ये तो अपने गैमेटोफाइट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है फॉर फूड, वाटर एंड हैबिटेट, लेकिन इन केस ऑफ हॉर्नवर्ड्स एंड मॉसेस उसका जो स्पोरोफाइट है उसकी कंप्लीटली डिपेंडेंसी नहीं होती अपने गैमेटोफाइट पर, वो पार्शियली डिपेंडेंट होता है क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट है ये अपना खाना तो खुद बना लेता है, तो फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं होता, ये सिर्फ आपके वाटर और हैबिटेट के लिए अपने गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो मैं वहाँ से लिखाऊंगी, लेकिन ज़रा एक बार यहाँ बात चली है तो इनके एग्जाम्पल्स हम यहीं लिख लेते हैं एक बार, फिर मैं एनसीईआरटी से इनके बारे में जो डिटेल थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में दे रखा है वो एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। लिवर वर्ड्स की हम बात करें, एनीबडी फ्रॉम द क्लास कैन गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ लिवर वर्ड्स, एनीबडी फ्रॉम द क्लास, आई एम वॉचिंग योर कॉमेंट बॉक्स राइट नाउ। रिक्शिया है, रिक्शिया है, यस, मार्केंशिया है, रिक्शिया, मार्केंशिया, क्रिप्टोथैलस, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, वैसे बातें करते रहते हो, रिक्शिया, यस, मार्केंशिया, देखती हूँ मैं थोड़ी देर में कुछ आता है तो, यस, क्रिप्टोथैलस, यस, रीला पैलिया, ये सब सुना होगा आपने, देखती हूँ कितने लोग और आंसर कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करो, कुछ भी मुझे तो आंसर में तो एक भी नहीं दिख रहा है तुम्हारी बातों के अलावा, मैं लिख देती हूँ ये बस बातें ही आती हैं, रीलिया पैलिया एंड फोरेला, These all are the examples of liver words. ठीक है, रिक्शिया, मार्केंशिया, क्रिप्टोथैलस, रीलिया, पैलिया एंड फोरेला, इतने ना याद हो तो एटलीस्ट रिक्शिया, मार्केंशिया एंड क्रिप्टोथैलस याद रख लेना, जो तीन मैंने हाईलाइट किए हैं, उसमें से भी इन तीनों में से भी नीचे वाला अपने आप ही हाईलाइट हो गया। देखो सारे याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते तो ये दो, और इसमें से भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रिक्शिया और मार्केंशिया तो कर ही लेना। ठीक है, ये हर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बता दी, अब मैंने सारे याद हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो एटलीस्ट रिक्शिया, मार्केंशिया, क्रिप्टोथैलस, और इन तीनों में से भी तीन भी नहीं हो रहे तो रिक्शिया और मार्केंशिया तो 100% याद होना चाहिए कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिवर वर्ड्स। ऐसे ही हॉर्नवर्ड्स की बात करें हम, हॉर्नवर्ड्स के एग्जाम्पल क्या है, नोटोथैलस एंड एंथोसेरोस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हॉर्नवर्ड्स। नोटोथैलस एंड एंथोसेरोस, ठीक है, नोटोथैलस एंड एंथोसेरोस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हॉर्नवर्ड्स। लास्ट बात आती है आपके मॉसेस के बारे में, मॉसेस के एग्जाम्पल बोलिए जल्दी से, वैसे तो एनसीईआरटी में भी है बट फिर भी, यस, कुछ फेमस एग्जाम्पल्स बोलो जल्दी जल्दी, वॉचिंग योर कॉमेंट्स आफ्टर दिस। मॉसेस के एग्जाम्पल, फिनेरिया है, दासोनिया करके सुना है, पॉलीट्राइकम सुना है, बाकी के तुम बताओगे, मैं नहीं बता रही हूँ, कॉमेंट बॉक्स में जाऊंगी, फटाफट कॉमेंट करो इन टीम के अलावा, फिनेरिया, बाकी बातें कर लेते हो, पॉलीट्राइकम, यस, आई एम वॉचिंग योर कॉमेंट्स, स्फैग्नम, यस, किसने दिया ये आंसर, नाम चला गया, राजीव रंजन, बिल्कुल सही बेटा, स्फैग्नम है, ठीक है, और पीटमॉस और वो सब उसके अंदर आया था, स्फैग्नम बीस का एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैं वहीं से डिस्कस करूंगी एनसीईआरटी से, इसलिए मैं यहां नहीं लिख पा रही हूं। ठीक, चलो एनसीईआरटी पर ही आते हैं, फिर इसको आगे अपने स्टाइल से कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी।
मैं एल्गी से ही डिस्कस कर रही हूँ, हमने नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी बिल्कुल भी, तो जस्ट गिव अ न्यूज़पेपर रीडिंग अबाउट दिस, क्योंकि ये सारी चीज़ें एल्गी ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में आपको क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रेडोफाइटा, जनरल फीचर्स, ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट एक न्यूज़पेपर रीडिंग लगाते हैं, इसके अंदर क्या दे रखा है, क्या क्या ये कह रहा है एनसीईआरटी में एल्गी के बारे में क्या दे रखा है। सुनो, एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, ऑब्वियसली बात है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड प्लांट बॉडी, थैलॉइड इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ऑलरेडी डिस्कस किया था। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अपना खाना खुद बनाती है। एल्गी कहाँ रहती है, तो फ्रेश एंड मरीन वाटर दोनों है, हमने ऑलरेडी इसका हैबिटेट में ही सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो वही चीज़ इसमें लिखी है कि एल्गी जो है फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बनाती है, तो क्लोरोफिल बियरिंग कंपाउंड है। थैलॉइड प्लांट बॉडी यानी कि इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीफ। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद बना लेगी, और फ्रेश और मरीन दोनों वाटर में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ऑलरेडी डिस्कस्ड एल्गी के बारे में ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये इसके अलावा भी स्टोन्स पर, सॉइल पर, वुड पर भी, इन पर भी पाई जाती हैं। फिर हम लोगों ने बिल्कुल, हमने इसका लाइकन ऑलरेडी हमने पढ़ चुके थे, एल्गी और फंजाई का सिम्बाटिक एसोसिएशन, उसको हम लाइकन कहते हैं, ठीक है। लाइकन एल्गी और फंजाई का, एल्गी और फंजाई का सिम्बाटिक एसोसिएशन, इसको हम लाइकन कहते हैं, ये ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, हमने बताया भी था, यूनिसेलुलर भी हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनियल भी है, कॉलोनियल का एग्जांपल वॉलवॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किया था, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस भी है, मल्टीसेलुलर पैरेन्काइमेटस भी है, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा किसके इसमें एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, सीवीड्स और कैप्स ये भी हमने डिस्कस किया था। तो ये ऑलरेडी इसमें तो बहुत ऐसे ही दे रखा है, बाकी हमने तो बकायदा यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स क्या थे, क्लेमाइडोमोनास एंड ऑल, आपके क्या बोलते हैं कॉलोनियल फॉर्म के एग्जांपल क्या थे, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस के क्या थे, मल्टीसेलुलर थैलॉइड और मल्टीसेलुलर पैरेन्काइमेटस के क्या एग्जांपल थे, हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्गी डिटेल्ड में डिस्कस किया था। उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात ही हमने डिस्कस किया था कि वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन एक तरीका है, ठीक है, हर एक फ्रेगमेंट जो है ये डेवलप इनटू न्यू थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स के थ्रू आपका इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या होता है, हमने डिस्कस की थी, फ्लैजेलेटेड गैमेटेड, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप डिस्कस किया था। आइसोगैमस में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट का फ्यूजन है, एनाइसोगैमस में मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, एनाइसो यानी कि डिफरेंट, डिफरेंट गैमेट का फ्यूजन है, और ऊगैमस इसी का एडवांस्ड फॉर्म था, मेल गैमेट मोटाइल और स्मॉल होता था, फीमेल गैमेट लार्ज और नॉन मोटाइल होती थी, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके, ठीक है। तो आइसोगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट विच इज डिसिमिलर इन साइज, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप क्या है, इन्हीं का इसने वर्णन यहाँ पर कर रखा है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। ये आपके कुछ डायग्राम्स यहाँ पर ज़रूर दे रखे हैं, जो मैं आपको बाद में शाम वाली क्लास में इसको थोड़ा डिटेल जाऊँगी, जैसे कि चलो ग्रीन एल्गी में वॉलवॉक्स, और ये देखो ए में, वॉलवॉक्स, ग्रीन एल्गी और यूलोथ्रिक्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, खैर डायग्राम्स पर मैं आऊँगी अभी थोड़ी देर बाद, एक साथ डिस्कस करेंगे हम डायग्राम्स, पहले मैं थ्योरी कंप्लीट कर देती हूँ, अभी आऊँगी। ये सब एम्स में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, फ्रॉन्ट, ये मेन एक्सिस ब्रांचेस से, ये वाला स्टाइप होल्ड फास्ट फ्रॉन्ट वाला, ये वाला, ये वाला ऑलरेडी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी के डायग्राम में इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगी बेटा डायग्राम्स, या तो शाम वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, शाम 7 बजे डिस्कस करूंगी, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हो गया, फिर हमने क्या डिस्कस किया था, रुक जाओ एक सेकेंड, फिर इसके इंपॉर्टेंस की बात चल रही है कि फोटोसिंथेसिस क्या, फोटोसिंथेटिक क्या, तो डिसॉल्वड ऑक्सीजन कंटेंट को ये, ठीक है, ये सब कुछ इतना है, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम, ये सब मरीन एल्गी के बारे में बात चली, ठीक है। एल्जिन किससे ऑप्टेंड होता है, अगर किससे ऑप्टेंड होता है एल्जिन, एंड टाराजीन इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर इट इज़ वन ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्ट, ये जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से ऑप्टेंड होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। ये क्रिस्पस कॉन्ड्रस, जिसे हम क्रिस्पस कॉन्ड्रस से ही तो मिलता था, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, ठीक है।
क्लोरेला के बारे में हमने डिस्कस किया कि यूनिसेल्युलर एल्गी है, फूड सप्लीमेंट की तरह से पैरासिटिक एल्जी, इसका इम्पॉर्टेंस मैंने आपको बताया था. मैंने आपको बताया था कि इसे मतलब पैरासिटिक एल्जी है, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं, और ये मतलब क्या बोलते हैं, रिसर्च पर्पस में उनके लिए, स्पेस ट्रैवलर्स के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन स्पेस ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं. ये लिखा है ना, यूनिसेल्युलर एल्गी रिच इन प्रोटीन, इसलिए ऐसे फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं. स्पेस ट्रैवलर एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इसे यूज करते हैं. ठीक है, अब एल्गी को अपन ने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, दैट इज अ ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, इसके अंदर वो करता है, ये हम डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, अब एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे. डिस्कस हुआ था क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है. मेन प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस कैसी भी हो सकती है. यूजुअली कलर की बात करें तो ग्रीन एल्गी ग्रास ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट पिगमेंट, पिगमेंट की बात की थी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटिन और ल्यूटियाजेंथिन एंड वायलोजेंथिन इसके अंदर प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी इसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कैसा शेप वेप इसमें दे रखा है, मैं डायरेक्टली उस पर आ जाती हूँ ना. ये देखो, ये हमने चार्ट डिस्कस किया था बेटा, आपको ध्यान होगा. पहले मैं चार्ट पढ़ाती हूँ, फिर मैं उसके अंदर पैराग्राफ में जो है बात की थी. क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटिन, ये आपका यूनिवर्सल पिगमेंट है. ठीक है, बीटा कैरोटिन जगह बीटा कैरोटिन यूनिवर्सल है. उसके बाद फिर ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसे याद रख लोगे. फिर हमने डिस्कस किया था इसमें ल्यूटियाजेंथिन एंड वायलोजेंथिन, इसमें नहीं दे रखा एनसीईआरटी में बट याद रखना, इसमें जेंथोफिल, ल्यूटियाजेंथिन एंड वायलोजेंथिन है, डिस्कस किया था. ये इसमें फ्यूकोजेंथिन है, इसी वजह से ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर का होता है. इसमें आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइको एरिथ्रिन है, फाइकोसाइनिन दे रखा है, फाइको एरिथ्रिन दे रखा है, फाइकोसाइनिन और लिख लो. ठीक है, आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन, ये इसके अंदर पिगमेंट है. स्टोर्ड फूड सबका याद किया था, स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स है ग्रीन एल्गी के अंदर. इसमें लैमिनारिन एंड मैनिटॉल है, रोडोफाइटा के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च है. ठीक है, बस इतना याद रखना है, नंबर ऑफ फ्लैजेला के नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन भी इसमें से याद रख लेना चाहो तो. हैबिटेट तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश, सॉल्ट वाटर, सब में तीनों में ही तीनों दे रखा है. ये दो से फ्लैजेला क्लोरोफाइटा में 208 इक्वल और अपाइकल पोजीशन पर होते हैं, फियोफाइटा में दो होते हैं और अनइक्वल लेटरल पोजीशन पर होते हैं, रोडोफाइटा के अंदर फ्लैजेला जो है एब्सेंट. हमने डिस्कस किया था ना रोडोफाइटा के अंदर लास्ट क्लास में, रेड एल्गी की लाइफ साइकिल और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर सीलिया फ्लैजेला एब्सेंट होता है, देयर इज नो मोटाइल स्टेज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गी, डिस्कस हुआ था ये. ठीक है, तो ये हमने इतना ये चार्ट ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी, जस्ट एक न्यूज़पेपर रीडिंग की जरूरत है इसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं मैं. ठीक है, तो ये वाला एक फ्लैजेला वाला याद रख लेना आप बेटा, फ्लैजेला. अरे यार, फ्लैजेला वाला याद रख लेना. ये तो रोडोफाइटा का तो याद है ही सही कि इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल के अंदर आपका मोटाइल स्टेज सीलिया फ्लैजेला एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसमें तो एब्सेंट है. बाकी इनमें याद रख लेना, इसमें 2 से 8 है, यहाँ पर 2 है, ये इक्वल है अनइक्वल है, यहाँ पर अपाइकल और यहाँ पर लेटरल पोजीशन पर है. सिर्फ आपको क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी का याद रखना है, बाकी ये दोनों ब्लॉक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, हैबिटेट याद रखने की जरूरत नहीं है, तीनों में इतने सारे तो कोई पूछता नहीं है, एक बार बस ऐसे न्यूज़पेपर रीडिंग लगा लेंगे. एनसीईआरटी का ये चार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके. चलो अब एक एक करके इस पे जाते हैं. एक सेकेंड, वाटर ब्रेक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, देन वी विल प्रोसीड.
एक चीज और बच्चों, जिसको होगा क्लियर, जिसने इसके पहले का पढ़ा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी न्यूज़पेपर रीडिंग लगाते हैं हम सिर्फ, क्योंकि सारा पढ़ा होता है। ठीक है, तो पिगमेंट्स हम देख चुके। अब एनसीईआरटी में जो दे रखा है, मैं सिर्फ पढ़ के सुना रही हूँ कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट है, क्यों नहीं पूछेगा उसका रीजन बताती हूँ। इतने सारे शेप है तो बेचारा ऑप्शन में क्या देगा, तो कोई पूछेगा नहीं, तो जस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग लगा के छोड़ रही हूँ मैं, क्योंकि इसलिए मैंने लिखा है नहीं कि क्लोरोप्लास्ट जो है डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल या रिबन शेप का होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। कोई नहीं पूछने वाला कौन सा शेप है, क्योंकि इतने सारे जब ऑप्शंस होते हैं ना, तो कोई पूछता नहीं है फिर ऐसे क्वेश्चन, कैसे पूछेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। स्टोरेज बॉडीज को हम कहते हैं पायरेनॉइड्स, जो कि आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टोरेज बॉडी को पायरेनॉइड्स कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, पायरेनॉइड्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है बिसाइड द स्टार्च, स्टोर्ड फूड स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स है ना, इसीलिए तो स्टोरेज बॉडी है, तो स्टोर्ड फूड होगा तो स्टार्च है, तो यहीं से आ गया लिखा ना, स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो ये आपका आ गया कि कुछ के अंदर स्टार्च है, कुछ के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स है, इसी को इस लैंग्वेज में ऐसे घुमा फिरा के लिख रखा है। पायरेनॉइड इज द स्टोरेज बॉडी, स्टोरेज बॉडी में स्टोर्ड फूड होगा, तो लिखा है पायरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च, स्टार्च की जगह प्रोटीन होता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है, दिस आर द स्टोर्ड फूड जो हो रहा है। ठीक है, सेलवॉल के बारे में बात कर रहा है कि ग्रीन एल्गी का यूजुअली आपका रिजिड सेलवॉल होता है, इनर लेयर सेल्यूलोज की है, बाहर की लेयर पेक्टोज की बनी है। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन पर आगे, रिप्रोडक्शन हमने इसका डिटेल पढ़ा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लैजिलेटेड स्पोर है तो जू स्पोर, अगर नॉन फ्लैजिलेटेड तो ए प्लैनोस्पोर, हमने डिस्कस किया था, तो इसमें जू स्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस किसी भी टाइप का हो सकता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ग्रीन एल्गी की, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गी, जो एक एक पॉइंट हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फियोफाइसी, दैट इज द ब्राउन एल्गी। तो सुनो, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी, दे आर प्राइमरली इन द मरीन हैबिटेट, मरीन वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होता है। दे शो ग्रेटर वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म से प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है, कुछ नहीं, सीवीड्स और कैप्स इसे कहते हैं, हमने बताया। पिगमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चार्ट के थ्रू, क्लोरोफिल बीटा कैरोटिन तो यूनिवर्सल है, क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइटा में, थियोफाइटा में क्लोरोफिल सी होगा, और यहाँ पर पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटिन और जैंथोफिल में यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन होता है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से ही, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है और फ्यूकोजेंथिन की वजह से ही ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर की दिखाई देती है। स्टोर्ड फूड की बात करें, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हमने, फूड स्टोर्ड जो है लैमिनारिन एंड मैनिटॉल, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके बाद दे रखा है द वेजिटेटिव सेल है सेलुलोसिक सेल वॉल, जिसे जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन कवर करती है। तो इसके अलावा सेंट्रल वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम, ये क्वेश्चन आता है, प्लांट बॉडी अटैच एल्गी के अंदर तो होल्ड फास्ट से होती है, क्वेश्चन आता है, और बैक्टीरिया के अंदर अटैचमेंट क्या होता है, फिम्ब्रे, एल्गी के अंदर होल्ड फास्ट ही है। देखो, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, लेकिन बैक्टीरिया की बात करें तो होल्ड फास्ट की जगह फिम्ब्रे आता है। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका बाय फ्रेगमेंटेशन, ऑलरेडी डिस्कस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर बाय फ्लैजिलेट जू स्पोर से होता है। ठीक है, फ्लैजिला कैसे अटैच है, टू दो हैं, अनइक्वल है, लेटरली अटैच, ऑलरेडी स्टार्ट से डिस्कस हो चुका। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही आइसो एन आइसो और ओगैमस किसी भी टाइप का हो सकता है, जब हम जनरल कैरेक्टर्स में डिस्कस कर लिया, इसलिए हमने अलग अलग से नहीं डिस्कस किया था। ठीक है, यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ओगोनियम, ये पायरिफॉर्म शेप कोई नहीं पूछता, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गसम एंड फ्यूकस। हमने डिप्लो हैप्लोंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल किसकी है, डिप्लोंटिक टाइप ऑफ, एक्टोकार्पस डिप्लो हैप्लोंटिक टाइप, फ्यूकस डिप्लोंटिक टाइप लाइफ साइकिल है, अपन ने तो डिटेल में पढ़ा है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोडोफाइसी, दैट इज द रेड एल्गी के बारे में। तो द मेंबर ऑफ रेड एल्गी
रेड कलर के होते हैं, रेड कलर प्रीडोमिनेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेड एल्गी रेड कलर की होगी, इसके अलावा दूसरे कलर की भी होती है। मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी मरीन वाटर विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन द वार्म एरिया, इसका एक्सेप्शन पड़ा था बेट्रेकियोस्पर्मम और पोरफायरिडियम। बेट्रेकियोस्पर्मम फ्रेश वाटर, पोरफायरिडियम लैंड पर। वैसे ही ये मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर होती है, एक्सेप्शनली मल्टी सेलुलर, वो भी हमने पढ़ा था। दे अकर इन बोथ लाइटेड रीजन वाटर के सरफेस पर। गॉडिकॉफ्स इफेक्ट के बारे में पढ़ा था ना, इट चेंजेस द कलर अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। जब ये सरफेस पर प्रेजेंट होती है तब ये ब्लू कलर की होती है, जब ये डेप्थ में प्रेजेंट होती है तब ये रेड कलर की होती है। इसी को तो गॉडिकॉफ्स इफेक्ट कहते थे हम, ठीक है। स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, एनसीईआरटी ने भी वही दे रखा है, ठीक है। स्टोर्ड फूड दे दिया। रेड एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसके एग्जाम्पल पोरफायरा, ब्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। अगर अगर एल्जिन किससे ऑप्टेंड होता है, काराजिन किससे ऑप्टेंड होता है, फिर हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो चुका। इसके बाद डायरेक्टली वो बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट के बारे में मैंने बताया था, शियोफाइट्स हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में और शेडी प्लेसेस में उगना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस आते हैं, लेकिन मैंने डिस्कस किया था अभी, जस्ट अभी ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं हम। एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है वो बता रही हूँ। एनसीईआरटी में हॉर्नवर्ट्स का जिक्र नहीं किया, इट इंक्लूड्स द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। लेकिन हमें पता है लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, मॉसेस तीनों होते हैं, जो कि आपके शियोफाइट्स है ना, तो मॉइस्ट शेडी एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। डायग्राम्स बाद में करवाऊंगी मैं। लिवरवर्ट का एग्जांपल रिक्शिया, मार्केंशिया, पेलिया, रीला, पोरेला, ये सब पढ़ा। इसमें मार्केंशिया दे रखा है। फीमेल थेलस मिल्ट, फिनेरिया, गैमेटोफाइट्स। अच्छा ये तो उसमें डायग्राम का शो कर रहा है। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, ब्रायोफाइट्स को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन क्यों कहते हैं, रहते तो जमीन पर है बट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसे एम्फीबियंस कहते हैं। देखो दे लिव इन सॉइल बट दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हम कहते हैं। शियोफाइट्स हैं तो शेडेड प्लेसेस पर ही रहेंगे, हाँ जी। अब इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मैंने नहीं लिखाया क्योंकि वह एनसीईआरटी में ही है, सुन लो। इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस तो कम है लेकिन इकोलॉजिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइकन अलॉन्ग विद द मॉसेस, मॉसेस इसी में आते हैं ना, दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द बेयर रॉक, तो यहीं से माना जाता है ना। तो ये देखो, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक या सॉइल, बिकॉज लाइकन अलॉन्ग विद मॉसेस दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द रॉक, ठीक है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ब्रायोफाइट की जो है एल्गी की तरह थैलस लाइक है ये भी, ठीक है। यूनिसे रूट स्टेम लीव्स नहीं होती, रूट लाइक स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी हमने लाइफ साइकिल देख ली थी, फिर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है क्योंकि गैमेट का प्रोडक्शन, मेल गैमेट, सेक्स ऑर्गन इसमें मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। एंथ्रीडियम से मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड, आर्किगोनियम से फीमेल गैमेट एग निकलता है। दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और कैसा होता है फर्टिलाइजेशन, जूडियोगैमस टाइप है, इसलिए जूडियोगैमस में क्या है, मोटाइल होता है मेल गैमेट जो पानी में स्विम करते हुए एग तक पहुंच के उसको फर्टिलाइज कर देता है। इससे एक डिप्लॉइड जायगॉट बनेगा। जायगॉट के बाद हमने देखा था जायगॉट जो है इसमें डायरेक्ट रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, इससे एम्ब्रियो बनता है। फिर स्पोरोफाइट, स्पोर मदर सेल वो पूरा देखा था। फिर स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन से आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफाइट बने। स्पोरोफाइट मदर सेल में फिर इसके रिडक्शन डिवीजन से स्पोर्स बनते हैं। फिर अब ये स्पोर्स का जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनेंगे। अब जर्मिनेशन हमने पढ़ा था लिवरवर्ड एंड हॉर्नवर्ड्स के अंदर, तो डायरेक्ट जर्मिनेशन है ये, इसमें नहीं दे रखा। हमने डिस्कस किया था लाइफ साइकिल, याद करो, याद होगा तो ये जो मैं बोल रही हूँ समझ में आ रहा होगा। जिसने नहीं देखा तो कल का लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर नंबर आप देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 2, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर क्योंकि उसका एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो जस्ट एक वो क्विक रिकैप होता है, क्योंकि उतना मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देख लो, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत कम है क्योंकि मॉसेस जो है हर्बेशियस एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए एज अ फूड हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, स्फैग्नम की जो स्पीशीज है ना, स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम मॉस, पीट मॉस के बारे में सुना होगा आपने, तो पीट मॉस देता मिलता है, विच इज लंबे समय से जो एज अ फ्यूल हम यूज करते आ रहे हैं। ऐसे ही ये एज अ पैकिंग मटीरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल, इसे यूज करते हैं मतलब लिविंग मटीरियल के ट्रांसशिप इधर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, एज अ पैकेजिंग मटीरियल यूज करते हैं क्योंकि इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया होता है। देखो, एंड एज अ पैकिंग मटीरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल, क्योंकि इसका कैपेसिटी टू होल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। तो स्फैग्नम पीट मॉस फॉर द फॉसिल फ्यूल फॉर द पैकिंग ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल बिकॉज इट हैव अ ग्रेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और इकोलॉजिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रायोफाइट, बट सॉरी इकोनॉमिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इकोलॉजिकली दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे टोल्ड यू लाइकन अलॉन्ग विद द मॉसेस, मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकन दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द रॉक, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका ज्यादा है। इट इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। ये आपके सॉइल इरोजन से भी रोकते हैं, सॉइल इरोजन से द डिकम्पोजर्स, सिंस मॉसेस फॉर्म द डेंस मैट ऑन द सॉइल, मॉसेस का रोल क्या है, इंपैक्ट सॉइल इरोजन से पकड़ के रखता है ना, कारपेट की तरह बिछ जाता है, तो सॉइल इरोजन नहीं होता है इस वजह से। ब्रायोफाइट्स को फिर लिवरवर्ड्स और मॉसेस के अंदर डिवाइड किया है। इनका डिटेल पढ़ने से पहले, लिवरवर्ड एंड मॉसेस का डिटेल पढ़ने से पहले इस चीजों को, ये तो हमने लिख लिया, ब्रायोफाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिख लो। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, एक तो वो एज अ फूड यूज में आ जाता है, ठीक है, तो लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, वो तो आप एनसीईआरटी में से लिख लेना, तो मेजर है मैं वो लिखवा देती हूँ। दिस इज स्फैग्नम के बारे में बात की, इससे मिलता है अपन को पीट मॉस, एक तो लंबे समय से इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द लॉन्ग टाइम, it is used as a fuel for from long time, ठीक है। दूसरा for the transshipment of living material, for transshipment of living material, क्योंकि इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया है, बिकॉज हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बढ़िया है इसीलिए, ठीक है। तो फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया है इसको यूज करते हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कम है बट दे आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन देवर फर्स्ट टू कॉलोनाइज द रॉक, देवर फर्स्ट टू कॉलोनाइज द बेयर रॉक्स, देवर फर्स्ट टू कॉलोनाइज द बेयर रॉक्स, तो दे आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अच्छा है, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। यहां तक क्लियर हो गया बेटा आप सभी को, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। अब एनसीईआरटी में लिवर वर्ड्स और मॉसेस के बारे में क्या दे रखा है वो डिस्कस करते हैं, फिर टैरिडोफाइट्स करेंगे। एनसीईआरटी खोल रही हूँ मैं आपके सामने, एनसीईआरटी है ये, एनसीईआरटी का ही पीडीएफ पीपीटी बनवा रखा है मैंने, ठीक है, एज इट इज एनसीईआरटी चल रही है ये आपकी। लिवर वर्ड्स के बारे में सुनो, लिवर वर्ड्स है तो ब्रायोफाइट्स ही ना,
तो हमने डिस्कस किया ये ब्रायोफाइट्स आर शियोफाइट्स, शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस पर ही रहना पसंद करते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यार हाँ, लिवर वर्ड्स जो है इट यूजुअली ग्रो इन मोइस्ट एंड शेडी हैबिटेट सच एस बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, मतलब मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट में ही रहना पसंद करते हैं। फिर इसने लिख रखा है कि जो लिवर वर्ड की जो प्लांट बॉडी है ये थैलॉइड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्केंचे, यानी कि इट इज नॉट डिवाइडेड इंटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स। थैलस इसका कैसा है, इसमें जिक्र किया हुआ है, इसका जो थैलस है इट इज डॉर्सी वेंट्रल है एंड इट इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। इसका जो लीफी मेंबर होता है, लीफ तो नहीं, जो लीफी मेंबर है फॉरेला, दे हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेंजेस जो कि दो रोज में प्रेजेंट होती है ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर दो रोज में ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के सुना रही है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करें लिवर वर्ड्स के अंदर, तो ये टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई या फिर स्पेशलाइज टाइप के गैमा कप्स, के बारे में आपने सुना होगा, गैमा गैमा कप्स पर बनते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैला या फिर इसमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं गैमा। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है गैमा से, ब्रायोफाइट्स में लिवर वर्ड्स में होता है। गैमा जो है एक्चुअली कुछ ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है, ये जिस रिसेप्टिकल पर प्रेजेंट होते हैं इसे हम कहते हैं गैमा कप्स, जो कि थैलाई पर प्रेजेंट होता है, यानी कि थैलाई पर गैमा कप्स, गैमा पर ये गैमा प्रेजेंट होते हैं, इसके थ्रू भी होता है। जब ये गैमा अपने पैरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है तो ये नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से होता है, सिंपल है। एक तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने देख लिया कि बाय फ्रेगमेंटेशन तो हो ही रहा है, बाकी वो क्या कह रहा है कि एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है गैमा, गैमा कप्स पर प्रेजेंट होता है। तो गैमा कप्स पे जो गैमा प्रेजेंट है, जब ये अपने प्लांट बॉडी से डिटैच होता है तो ये एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। किस तरीके से भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है, मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है स्पोरोफाइट। इसका जो स्पोरोफाइट है, ये सुनिए, लिवर वर्ल्ड का जो स्पोरोफाइट है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फूड सीटा एंड कैप्सूल। मियोसिस के बाद हमने बात की थी लिवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स के अंदर, लिवर वर्ड्स पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, स्पोर डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना लेगा मेन प्लांट बॉडी विच इज। तो आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस, स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे, स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर आपके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऑलरेडी डिस्कस, डायरेक्ट जर्मिनेशन ही होता है। लेकिन मोसेस के अंदर हमने पढ़ा था डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है, प्रोटोनेमा और बर्ड स्टेज आएगा, फिर आपका गैमेटोफाइट बनता है। तो देखो, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ दिस लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट, जिसके दो स्टेजेस हैं, एज आई टोल्ड यू, प्रोटोनेमा और बर्ड स्टेज दोनों है। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनेमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, स्पोर से प्रोटोनेमा बनता है, फिर प्रोटोनेमा से बर्ड स्टेज आती है, ठीक है। फिर द सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ये आपका बर्ड है, फिर इससे फाइनली आपका गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक है। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट पर, फिर गैमेटोफिटिक प्रोसम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडी और आर्किगोनिया आपके लीफी शूट पर बनते हैं, कोई नहीं पूछता। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगॉट जो है, हमने डिस्कस किया ना जायगॉट से एम्ब्रियो, जायगॉट स्पोरोफाइट में डेवलपमेंट होता है। स्पोरोफाइट इट कंसिस्ट फूड सीटा एंड कैप्सूल। इसका स्पोरोफाइट इलाबरेट इलेटर्स, ये याद रखना, इट हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स इन मॉसेस, लिखा हुआ है। स्पोरोफाइट जो है मॉस का, इट इज मोर इलाबरेट देन इन द लिवर वर्ल्ड, ऑब्वियस सी बात है, उसमें तो स्पोरोफाइट से डायरेक्टली जर्मिनेशन होके वो इसमें ज्यादा इलाबरेट होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलाबरेट देन इन लिवर वर्ड्स एंड हॉर्न वर्ड्स, क्वेश्चन इस लाइन से आ रखा है। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस ये ज्यादा इलाबरेट होते हैं एज कंपेयर टू द लिवर वर्ड। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स आफ्टर मियोसिस बनता है, मियोसिस के बाद स्पोर डिस्पर्सल का एक अलग से मैकेनिज्म है। एग्जाम्पल फिनेरिया पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम इसका एग्जाम्पल है, दैट्स ऑल। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए सच कुछ है नहीं, ऑलरेडी हम लाइफ साइकिल से ही पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या है। चलिए शुरू करते हैं टेरिडोफाइट्स, बकायदा अपने नोट से पढ़ेंगे अब। कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने जो पढ़ा था ना वो एक ऐसे ही न्यूज़पेपर रीडिंग ही लगानी है एनसीईआरटी में, कुछ भी अलग से नहीं है, जो है वो मैं हाईलाइट करवा चुकी।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड आफ्टर हैविंग अ सिप ऑफ वाटर वी विल स्टार्ट विद दिस. ठीक है. साउंड यार, ये साउंड से बड़ा डिस्कस है. गिव मी अ सेकेंड. Just give me a second and we will start, okay? अब हम डिस्कस करते हैं टेरिडोफाइट का. लास्ट क्लास में बेटा ब्रायोफाइट्स डिस्कस किया था, जिसे हम कहते थे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. टेरिडोफाइट्स की बात करें, इसे आप कहते हो रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम. रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है. एक चीज और, टेरिडोफाइट को हम लोग वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं. टेरिडोफाइट को क्या भी कहा जाता है बच्चों? इसे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है. टेरिडोफाइट्स को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों कहते हैं हम? इसे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम ये प्रेजेंट होता है. क्या बोला? इसे हमने वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कह रहे हैं टेरिडोफाइट्स को, बिकॉज इन टेरिडोफाइट्स आपके वैस्कुलर टिश्यू जो हैं, बिकॉज वैस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम ये प्रेजेंट है इसके अंदर, इसीलिए से हम कहते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम. जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये प्रेजेंट है. अब मैंने बोला जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, लेकिन वेसल्स इन जाइलम, जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते. वेसल्स इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम ये दोनों एब्सेंट होते हैं, ये याद रखना. क्या बोला बच्चों? टेरिडोफाइट्स को हम कह रहे हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू. जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन जाइलम के अंदर वेसल्स और फ्लोएम के अंदर आपके कंपेनियन सेल्स ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं. लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है. जिनके अंदर फॉल्स वेसल्स जो हैं, ये आपके टेरिडियम सेलेजनेला एंड मार्सिलिया, इसके अंदर फॉल्स वेसल्स बेटा एब्सेंट होते हैं. किसके अंदर? इसका एक्सेप्शन क्या है? टेरिडियम सेलेजनेला एंड मार्सिलिया, ये एक्सेप्शन है. टेरिडियम सेलेजनेला एंड मार्सिलिया, इसके अंदर आपके फॉल्स वेसल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं. गैरिट में फॉल्स वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्शनली टेरिडियम सेलेजनेला एंड मार्सिलिया. वैसे तो जाइलम के अंदर वेसल्स
और फ्लोयम के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगी, लेकिन एक्सेप्शन है टेरिडियम, सेलेजनेला एंड मार्सेलिया, इसके अंदर आपके फॉल्स वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही एक और चीज कि टेरिडोफाइट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की मैं बात करूं, सेकेंडरी ग्रोथ जो है इट इज एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है टेरिडोफाइट में, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट। सेकेंडरी ग्रोथ के ना होने का कारण होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम के प्रेजेंट ना होने की वजह से जनरली तो टाइडोफाइट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन है टाइडोफाइट्स के अंदर। आइसोइट्स के अंदर, आइसोइट्स के अंदर एक्सेप्शनली, आइसोइट्स के अंदर आपकी सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक्सेप्शनली आइसोइट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज, ब्रायोफाइट्स को हमने सबसे पहले लैंड प्लांट कहा था, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। टेरिडोफाइट्स जो हैं, ये सबसे पहले, ये आपके टेरिडोफाइट्स जो हैं, ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं। सक्सेसफुल लैंड प्लांट होने का कारण क्या, एक तो वैस्कुलर टिश्यू है, सक्सेसफुल लैंड प्लांट इसीलिए है एज कंपेयर टू द ब्रायोफाइट, सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट ही है, क्यों, क्योंकि एक तो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है इनमें, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और रूट्स भी प्रेजेंट होती है इनके अंदर, रूट्स प्रेजेंट है, इस वजह से दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट जरूर हैं, बट दे आर ऑल्सो नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट, ये भी कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है, दे आर ऑल्सो, दे आर नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट। कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स तो नहीं है, कारण क्या है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इन्हें भी फर्टिलाइजेशन के लिए तो पानी की ही जरूरत है, दे ऑल बिकॉज दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट जरूर है ये, लेकिन टेरिडोफाइट्स भी कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो नहीं है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब इसकी बात करें, टेरिडोफाइट्स के अंदर प्लांट बॉडी जो है इट इज कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड, प्लांट बॉडी जो है टेरिडोफाइट्स की इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द प्लांट बॉडी जो है टेरिडोफाइट की, प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इट इज डिफरेंशिएटेड इंटू प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर। रूट की हम बात करें तो दे आर शॉर्ट लिव्ड, विच इज रिप्लेस्ड बाय द एडवेंचियस रूट।
ठीक है। स्टेम की इसकी बात करें, इरेक्ट होता है, और अगर अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइट में तो उसको हम कहते हैं राइजोम। ठीक है, स्टेम जो है इट इज इरेक्ट एंड प्रोस्टेट। अगर अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट होता है ना इनके अंदर, अंडरग्राउंड स्टेम, इसे हम कहते हैं राइजोम। लीफ की बात करें बेटा, लीफ की अगर बात की जाए तो टेरिडोफाइट को ऑन द बेसिस ऑफ लीफ दो टाइप के हैं, एक है आपके मैक्रोफाइलस टेरिडोफाइट और एक है आपके माइक्रो। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ टेरिडोफाइट्स आर ऑफ टू टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ लीफ टेरिडोफाइट के दो टाइप हैं, टेरिडोफाइट्स दे आर ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या है बच्चा दो टाइप्स? मैक्रोफाइलस है और एक माइक्रोफाइलस लीव है। एक तो है मैक्रोफाइलस, मैक्रोफाइलस है, एक है आपके माइक्रोफाइलस। नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, मैक्रो मैक्रो यानी कि साइज क्या है, बड़ा। ये लीफ के रेफरेंस में, व्हेन लीफ आर लार्ज एज कंपेयर टू स्टेम, स्टेम के कंपेयर में लीफ अगर बड़ा हो, जिसे कहते हैं मैक्रोफाइलस। और माइक्रो मतलब माइक्रो यानी कि छोटा, तो लीफ अगर छोटा है, व्हेन लीफ आर स्मॉल एज कंपेयर टू स्टेम, तो इसे कहते हैं माइक्रोफाइलस। As compared to stems में लीफ छोटा है, ठीक। ये हो गया, इज इट क्लियर? इसके बाद मैं आपको लाइफ साइकिल डिस्कस करूंगी। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? क्या डिस्कस किया टेरिडोफाइट्स के अंदर? इसे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, लेकिन जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होती। टेरिडोफाइट्स के अंदर, इसको रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है, लेकिन एक्सेप्शनली आइसोइड्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रेजेंट होती है। वैसे हमने बोला वेसल्स नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनली आपके किसके अंदर? टेरिडियम सेलेजनल एंड मार्सिलिया के अंदर हमने बात की फॉल्स वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ एक्सेप्शनली आइसोइड्स के अंदर प्रेजेंट है। फिर हमने बात की कि टेरिडोफाइट को सबसे पहले फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कहा गया, क्योंकि एक तो इसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और रूट्स प्रेजेंट है। ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट जरूर है, लेकिन फर्स्ट मोस्ट मतलब दे आर नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट। कंप्लीटली सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ही रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने इसके प्लांट बॉडी की बात की कि रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है। रूट शॉर्ट लिव्ड कुछ समय के लिए होती है, देन इट इज रिप्लेस बाय द एडवेंचरस रूट। स्टेम अगर अंडरग्राउंड स्टेम है तो इसे हम राइजोम कहेंगे। लीफ की बात करें तो लीफ के बेसिस पर तो टेरिडोफाइट्स दो टाइप के हैं, मैक्रोफाइलस एंड माइक्रोफाइलस। मैक्रो यानी कि बड़ा, अगर लीफ ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू द स्टेम तो मैक्रोफाइलस। माइक्रो अगर लीफ छोटी है एज कंपेयर टू द स्टेम तो इट इज द माइक्रोफाइलस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। वर्ड टू वर्ड आप नोट आउट कर लेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड फॉर द वाटर ब्रेक। बिल्कुल, 7 बजे भी क्लास है भाई, बिल्कुल है। ड्रॉ कर लो मेरे साथ साथ।
एक सेकेंड, दिख रही हूँ ना मैं? पहले लिख लो, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. दिस इज द स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी. ठीक है, डिप्लॉइड नेचर का हो, बाद में बना दूंगी. स्पोरोफाइट, दिस इज द स्पोरोफिल. पहले लिख लो, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. Then there is sporangia. Then there is the spore mother cell. Phir se spores. Phir inke spore ka germination hota hai. Isse banta hai gametophyte. फिर से प्रोथैलस कहते हैं हम. ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया. एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, मेल गैमेट एंथ्रेजॉइड्स. आर्किगोनिया से एग, दोनों के अंदर फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन. ठीक है, एंथ्रीडिया से फर्टिलाइजेशन से आपका डिप्लॉइड जायगॉट बनता है. फर्टिलाइजेशन से जायगॉट, जायगॉट जो है, जायगॉट इज डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो एंड देन इट कम टू द स्पोर. स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, 2N. स्पोरोफिल इज डिप्लॉइड, स्पोरेंजिया इज डिप्लॉइड, स्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड. फिर स्पोर मदर सेल में, स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है. यहाँ पर मियोसिस होता है, इससे आपके ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं. स्पोर हैप्लॉइड है, ठीक है. फिर ये स्पोर का जर्मिनेशन होता है, और ब्रैकेट में लिख लो सॉइल के अंदर होता है जर्मिनेशन इन सॉइल. ठीक है, इससे आपके गैमेटोफाइट जो बना, ये गैमेटोफाइट और प्रोथेलस हैप्लॉइड, एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, एंथ्रेजॉइड, एग. अब इन दोनों के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन वाइज वीडियो गैमस टाइप ही, और फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से ये डिप्लॉइड जायगॉट बना दोबारा से, ये एम्ब्रियो डिप्लॉइड स्टेज. और इसके अंदर पहले ड्रॉ कर लो, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. डोंट वरी अबाउट दिस सेक्शन. ये जो पूरा है ये गैमेटोफिटिक जनरेशन है. स्पोरोफिटिक जनरेशन, यह है गैमेटोफिटिक जनरेशन. ड्रॉ कर लिया सबने यहां तक? अब सुनते जाना, मैं आपको समझाती जाती हूं कि हो क्या रहा है. ठीक है, सुनो यहां तक क्लियर सबको? जिसका जितना रह गया वो अभी यहां पर फिर छोड़ देना, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, चलिए अब सुनो, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सुनते जाओ बेटा. मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉइड इन नेचर. ठीक है, प्लांट इज स्पोरोइड दैट इज अ डिप्लॉइड इन नेचर. अब सुनो, मोस्ट ऑफ द अधिकतर जो टेरिडोफाइट है,
अधिकतर जो टेरिडोफाइट है वो होमोस्पोरस होते हैं, दैट इज दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल टेरिडियम, टेरिस, सेलोटम, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, इक्यूसीटम, लाइकोपोडियम, ये सब होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है. अधिकतर तो टेरिडोफाइट होमोस्पोरस ही होते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट हीट्रोस्पोरस भी होते हैं जो टू टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज द माइक्रोस्पोर एंड द मेगास्पोर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल सेलेजनेला, साल्विनिया, अजोला, ये सब आपके हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं. ठीक है, मतलब कुछ स्टाइलेटिस मतलब हीट्रोस्पोरस भी होते हैं. मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स कैसे हैं बेटा, हीट्रोस्पोरस भी हैं. अब हमने बात की कि स्पोर्स का जो फॉर्मेशन जो है स्पोरेंजिया के ऊपर होता है. स्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट होता है, अबैक्सियल सरफेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट होता है, और जिस लीफ पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं स्पोरोफिल. समझे, स्पोर्स आपके स्पोरेंजिया में बन रहे हैं, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट एट द अबैक्सियल सरफेस ऑफ द लीफ, और जिस लीफ में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं स्पोरोफिल. ठीक है, फिर एक्चुअली क्या स्पोर, स्पोर स्पोरेंजिया से स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल के मियोटिक डिवीजन से, मतलब स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल के ऊपर मतलब स्पोरेंजिया, जिस लीफ में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है स्पोरोफिल कहते हैं. स्पोरोफिल में स्पोर मदर सेल होती है, स्पोर मदर सेल के मियोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है. अब इन स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, इन स्पोर्स का जर्मिनेशन कभी भी मतलब अंदर नहीं होता, बाहर ही. जर्मिनेशन हमेशा सॉइल में होता है. ठीक है, जर्मिनेशन हमेशा सॉइल में होता है, और जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट और प्रोथैलस बनेगा. अब मैंने बताया कि इसका जर्मिनेशन सॉइल में हो रहा है, तो इसका जो गैमेटोफाइट है और इसका जो मेन प्लांट बॉडी दैट इज द स्पोरोफाइट, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये जर्मिनेशन जो गैमेटोफाइट और प्रोथैलस जो है ये सॉइल के अंदर हुआ है. ठीक है, जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन है, सॉइल के अंदर होता है. गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स स्पोरोफाइट. और प्लांट किंगडम के अंदर वैसे भी गैमेटोफाइट नॉन वेस्कुलर ही होते हैं. ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम, मेल गैमेट एंथ्रेजॉइड, फीमेल गैमेट एग, दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होता है. फ्यूजन वही जूडियोगैमस टाइप, क्योंकि ये मेल गैमेट मोटाइल स्विम करते हुए यहाँ तक पहुँचता है. फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होता है, फ्यूजन से एक डिप्लॉयड जायगॉट बनता है. जायगॉट इज डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से दोबारा से ये मेन प्लांट बॉडी दैट इज द स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है. इज इट क्लियर? अब जिसने अभी तक नहीं लिखा ना, एक बार लिख लो, फिर मैं आपको सारी चीजें दोबारा से डिस्कस करूंगी. यहां तक क्लियर है? टेरिडोफाइट के अंदर मेन चीज है इसका जो स्पोरोफिल है ना, फोटोसिंथेटिक होता है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट. स्पोर मदर सेल स्पोरेंजिया में बन रहे, स्पोर मदर सेल में स्पोरेंजिया में बने, स्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन से, मतलब टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरोफिल जो है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक है खुद भी. दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस. ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा. एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन मैंने आपको बता दिया, जर्मिनेशन से प्रोथैलस बना. एंड एज आई टोल्ड यू कि जो गैमेटोफाइट है ये सॉइल में है, तो ये बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है स्पोरोफिट, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द मेन स्पोरोफिटिक प्लांट एंड द गैमेटोफाइट. दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं. माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, हेटेरोमेगास्पोर से बनता है. सेक्स ऑर्गन गैमेटो, मेल सेक्स ऑर्गन, ये पूरा आपको हमने डिस्कस कर लिया. जूडियोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है. ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस टाइप होता है. लिख लो, फर्टिलाइजेशन की बात चलिए तो यहाँ लिख लो फर्टिलाइजेशन वही जूडियोगैमस, जो ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, तो वही जूडियोगैमस ही है. टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस लिखते हैं, नोट करो, फिर मैं दोबारा एक बार और पढ़ाऊंगी ये. ठीक है, प्लांट इज, हमने देखा ना स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है, फिर हमने बात की कि मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स, most of pteridophytes, most of the pteridophytes
दे आर होमोस्पोरस हैं, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब क्या है, दे प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, दैट इज दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर। ये आपके होमोस्पोरस है, एक ही तरीके के स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं, वन टाइप ऑफ स्पोर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इसके एग्जाम्पल रटे हुए होने चाहिए, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, लिखो। इट इज पहले तो पी वाले टेरिडियम, टेरिस, सारे एग्जाम्पल शुड बी ऑन योर टिप, सिलोटम, लाइकोपोडियम, एडियंटम जिसे वॉकिंग फर्न भी कहते हैं, पढ़ाऊंगी आगे चिंता मत करो। टेरिडियम, टेरिस, सिलोटम, लाइकोपोडियम, एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस एंड इक्यूसीटम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस, दैट इज दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है, टेरिडियम, टेरिस, सिलोटम, लाइकोपोडियम, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस एंड इक्यूसीटम। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स जो हैं ये हीट्रोस्पोरस भी होते हैं, सम टेरिडोफाइट्स आर हीट्रोस्पोरस। कुछ हीट्रोस्पोरस है यानी कि दो टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, सम टेरिडोफाइट्स आर हीट्रोस्पोरस, दैट इज दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, दैट इज दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो बेटा, हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के वेरी फेमस एग्जाम्पल्स में से सेलेजनेला एंड साल्विनिया। तो आंख बंद करके भी कोई पूछ ले तो याद होना चाहिए, सेलेजनेला, साल्विनिया, अजोला, ये सब आपके हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है। फिर हमने बात की कि स्पोर्स का फॉर्मेशन, स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया आपके अबेक्सियल सरफेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट होती है, डिस्कस हुआ, ठीक है। स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। साउंड प्रॉब्लम आ रहा है यार, बच्चा मैनेज करेंगे आज, कर ही रहे हैं इतने दिन से। स्पोरेंजिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक प्लेस इन द स्पोरेंजिया, लिख लो, हमने बात की थी। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक प्लेस इन स्पोरेंजिया एंड एज वी डिस्कस्ड, स्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट होता है बेटा, स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट एट द अबैक्सियल सरफेस ऑफ लीफ, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट एट द अबैक्सियल सरफेस ऑफ लीफ। और ऐसी लीफ जिसपे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, लीफ ऑन विच स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, उसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। लीफ ऑन विच स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट उसे हम कहते हैं स्पोरोफिल।
फिर हमने बात की कि भाई आपकी जो स्पोर मदर सेल है उसमें मियोटिक डिवीजन होगा, उससे आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर्स का जो जर्मिनेशन है अंदर नहीं होता, स्पोर्स का जो जर्मिनेशन है वो अंदर नहीं हो रहा, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन नहीं, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन है, ये आपके सॉइल के अंदर जर्मिनेशन जो है ये एक्सोस्पोरिक है, क्योंकि इसका जो जर्मिनेशन है इट अकरिंग सॉइल, सॉइल के अंदर होता है ये जर्मिनेशन, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन है, सॉइल में जर्मिनेट होता है। अब जर्मिनेशन होगा तो इसका जो जर्मिनेशन सॉइल में हो रहा है ना, तो इस वजह से टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट जो होता है जर्मिनेशन से, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट और प्रोथालस बनेगा, ठीक है, सॉइल में है, और इस वजह से इसका जो गैमेटोफाइट है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट के अंदर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, क्योंकि इसका जर्मिनेशन ही सॉइल के अंदर हो रहा है, लेकिन ये भी मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पर ही होता है, इस वजह से लिमिटेड, मतलब लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन में ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर अब हम बात कर रहे हैं कि प्लांट किंगडम में वैसे तो जो गैमेटोफाइट है, लिख लो हमेशा नॉन वेस्ट, इसका गैमेटोफाइट नॉन वेस्कुलर है, बट इन प्लांट किंगडम आपका जो गैमेटोफाइट होता है ये हमेशा ही नॉन वेस्कुलर होता है। गैमेटोफाइट जो है इट इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर नहीं होता बेटा, ये हमेशा नॉन वेस्कुलर होता है। गैमेटोफाइट जो होगा हमेशा नॉन वेस्कुलर भी होगा। अब क्या होता है हीटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट हीटरोस्पोरस भी तो होते हैं ना, जो माइक्रोस्पोर होगा उससे मेल गैमेटोफाइट बनेगा, और जो मेगास्पोर होगा उससे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है। एक चीज और मैंने आपको याद करवाई थी, वो लिख लेना, नोट डाल के लिख लो स्पेशली, कि आपके टेरिडोफाइट के अंदर स्पोरोफिल आर नॉट, दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट, नोट डाल के लिख लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिल जो है इट इज ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक ही होता है, एंड दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट, दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइटा, ठीक है बेटा, कि आपका टेरिडोफाइट में स्पोरोफिल भी फोटोसिंथेटिक है, दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट। मुझे लग रहा है ऑडियो के साथ परेशानी है, एक सेकंड देखने दो बच्चा, टाइम की दिक्कत हो जाएगी ऐसा ना।
चलो रुको एक सेकेंड, डन। एक काम करते हैं, इसके बाद से कंटिन्यूशन में, क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम हो जाएगा, 7 बजे दोबारा सेशन है ना, इसके आगे से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, जो शाम 7 बजे भी 1 घंटे के अंदर अंदर वापस मिल रहे हैं, इसको आगे से वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लिखने वाला सेक्शन थोड़ा सा रह गया है, बट कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ये बना हुआ है ना, तो यहाँ से मैं आगे से कंटिन्यू कर लूंगी। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट दिस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगा ना, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्लस प्लेटफॉर्म। प्लस सब्सक्रिप्शन की डिटेल मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दे रखी है। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप कोड अप्लाई करेंगे शिवानी, इससे आपको फीस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे मेंटरशिप, मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाओ, तो अभी बहुत सारा DPP, क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे, पूरा कुल मिला के मेरी छत्रों छायों में नीट की तैयारी करोगे। ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए, कैन कॉन्टैक्ट मी हियर 9549406721, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। आप मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओनली एंड ओनली फॉर द सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज। नए बैच 11th वालों का तो अभी 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 2021 का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका, नया बैच भी कुछ दिन हो गए हैं, 8-10 दिन, आपको 8-10 वीडियोज रिकॉर्डेड देखने पड़ेंगे, बाकी फिर लाइव आप कर सकते हैं अटेंड। तो सब्सक्राइब इट एज सून एज पॉसिबल, एंड आप मुझे यहाँ पर unacademy.com@shivani1990 पर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर रोज मेरा स्पेशल क्लासेस चलता है, 9:20 पर सेल बायो खत्म करेंगे हम, और कल से मैं आपको टेस्ट का भी शेड्यूल यहाँ पर दे दूंगी। तो टेस्ट भी होता है तो मुझे आप फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन ऑन कर लो, एक बार स्पेशल क्लास देख कर सोया करो। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करती हूँ, तो टेलीग्राम पर तो जुड़ना मस्ट है ही सही। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू ऑल माई डियर एंड लवली स्टूडेंट। फटाफट से 1 घंटे में 7 बजे दोबारा मिल रहे हैं हम, इसको कंटिन्यू करके इसको खत्म करेंगे यार, क्योंकि कल जेनेटिक्स शुरू करना है। बाय बाय, थैंक यू। लेट हो जाती हूँ, हाँ जल्दी आ जाऊंगी, कोशिश करूंगी आज।